पंजाब दे विच भारत जोड़ो यात्रा दा अज दूसरा दिन सी। खन्ना दे नाल लगदे बरमालीपुर कश्मीर गार्डन तो इस यात्रा दी शुरुआत हुई, जिस दी समाप्ति लुधियाणा दे समराला चौंक दे विच होई सी। लुधियाणा दे विच राहुल गांधी दे वल्लों संबोधन भी कीता गया, ते अपने संबोधन दे विच राहुल गांधी केंद्र सरकार दे खिलाफ जम के बरे ने। इस तो इलावा गल पीसीएस अधिकारियों की भी करांगे, जिन्हां दे वल्लों समूहिक छुट्टियां दा ऐलान तां कीता गया पर हुण ओह वापस ड्यूटी ते परत आए ने। वीरवार नूं पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा दा दूसरा दिन सी। खन्ना दे विच पैंदे बरमालीपुर नेड़े कश्मीर गार्डन तो इस यात्रा दी शुरुआत कीती गई, जिस दी समाप्ति लुधियाणा दे समराला चौंक च होई है। खास गल ए रही कि 25 किलोमीटर दी यात्रा बिना रुके पूरी कीती गई। लुधियाणा दे विच अपने संबोधन दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा दा मकसद देश च नफरत खत्म कर आपसी प्यार पैदा करना है। असीं नफरत दे बाजार च मुहब्बत दी दुकान खोल रहे हां। 13 जनवरी नूं लोहड़ी करके पूरा दिन भारत जोड़ो यात्रा ते ब्रेक रहेगी। भारत जोड़ो यात्री 12-13 जनवरी नूं लाडोवाल टोल कोल रुकणगे। बुधवार नूं सरहंद दी दाणा मंडी तो इस यात्रा दा आगाज होया सी। दो तीन बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है, जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। ठाकरे ने हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया और आप सब लोगों ने हमारी मदद की है। देखिए कितनी भीड़ है, कितने प्यार से आपने हमारा समर्थन किया, कितनी शक्ति आपने हमें दी। पंजाब दे विच भारत जोड़ो यात्रा ने दूसरे दिन दा पड़ा पार कर लिया। पंजाब दे कांग्रेसी लीडरां मुताबक सूबे अंदर भारत जोड़ो यात्रा नूं परवा हुंगारा मिल रहा है। इस तो इलावा भाजपा वल्लों जो राहुल गांधी दी पगड़ी दे रंग नूं लैके सियासत कीती जा रही है, उस नूं लैके भी कांग्रेसियां ने जवाब दित्ता है। नहीं देखो, पहली गल तो यह है कि पंजाब च हुंगारा बहुत ज्यादा मिलिया हैगा, क्योंकि मैं फतेहगढ़ साहब दा एमपी भी हां। कल सरहंद फतेहगढ़ साहब च हजारां लोग और सारियां सड़कां भरियां होईयां सी। सवेरे इन्नी धुंध सी, नेरा सी, हजारा लोग आए और फिर उतों निकल के असि जो मंडी गोबिंदगढ़ वाला आए, सारिया सड़क भरिया सी। खन्ना सारा भरिया सी, पायल सारा भरिया सी, दुराह सारा भरिया सी। हुण तुसीं इत्थे आके देख लो, सानेवाल दी इन्नी इत्थे भीड़ खड़ी हुई सी, ते बहुत वड्डा सानू हुंगारा मिलिया। हाल दी गल इह है भई केसरी रंग बारे कोई बंदा यह कहे भी नहीं, मैं ही जानता, होर कोई जानता नहीं है। एदू वड्डी मैं समझदा बेअकली तां कोई हो नहीं सकदा। मैडम, हर चीज़ नू हर बंदा जानता, हर रंग नू हर बंदा जानता की है की नहीं है। इस करके इन्निया बेमतलब दियां गल्लां करनियां ते उन्हां वास्ते सिरसा वास्ते शोभा नहीं दिंदियां। उह सियाणे बंदे ने, उन्हां नू चाहीदा भी इहो जिही गल ना करन। भारत जोड़ो यात्रा वो देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी जमीन पे उतरे हुए हैं। जो वर्गीकरण की राजनीति, जो धर्म की राजनीति हुई है, जिससे न्यायपालिका कार्य प्रणाली, कार्यपालिका और विधानपालिका खत्म किया गया, यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी बहुत एक डिक्टेटरशिप की तरह यूज हुआ, उसको खत्म करने की, उसको बंद कम करने के लिए राहुल गांधी जमीन पे उतरे हैं और लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं संविधान की रक्षा हो, वो नफरत कम हो, इसलिए वो लोगों को जोड़ने के लिए लोगों में उतरे हुए हैं। तस्वीरां मोहाली दियां ने, जिथे हड़ताल बाद कम्मां ते वापस पीसीएस अफसर परत आए ने। दफ्तरां दे विच आके अधिकारियां ने काम शुरू कर दिता है। पेंडिंग काम पूरे करन दे लई शनिवार ते एतवार नूं वी अधिकारी काम करनगे। सीएम दे अल्टीमेटम बाद पीसीएस अफसरां ने हड़ताल खत्म कीती सी। जिक्रयोग है कि आरटीआई नरिंदर धालीवाल की गिरफ्तारी के रोस वजो पीएसएस अफसरों ने हड़ताल विट दी ते समूहिक छुट्टी का ऐलान किया। सोमवार तो 5 दिन की समूहिक छुट्टी के ऐलान तो बाद कामकाज बुरे तरीके ठप होया, जिस तो बाद सोमवार को सीएम के नाल मीटिंग भी करवाई गई। पर मीटिंग अफसर ने मुख्यमंत्री सामने आरटीआई नरिंदर धालीवाल रिहा करने सने वक् वक् मंगा रखिया सन। इस मीटिंग दे विच कोई हल नहीं निकलिया सी, पर बीते दिन बुधवार को सीएम मान ने पीएसएस अधिकारियों नूं समूहिक छुट्टी खत्म करन अते काम ते परतन की चेतावनी दित्ती सी। ते नाल ही अल्टीमेटम दिता गया सी कि काम ते ना परतन वाले अधिकारियों नूं सस्पेंड कर दिता जावे। बुलेटिन च वेला इक होर छोटे जे ब्रेक दा हो गया, जल्द हाजिर होने आं।